उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आप अपने जेके शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जिसे कि जानते हैं टिप इंजिस के बारे में और ये टिप इंजिस कैसे लगाते हैं और इसको कैसी कहाँ लगाते हैं इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारियाँ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कभी भी जैसे कि हम कारपेंटर भाई कभी भी कहीं कहीं कुछ भी कहीं लगाने में मिस्टेक करते हैं क्योंकि नया चीज़ रहता है जिसको हम लोग लगाने में कन्फ्यूजन होती है, जिसको जैसे लगाते तो हैं हम लोग कहीं गलती लगा देते हैं। इसके लिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहे हैं और इस वीडियो में मैं इंजिस के बारे में पूरी जानकारियां आपको देने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये इंजिस डिब्बी इंजिस से आग बिहारी इंजिस बोलते हैं इसको। और ये इंजिस फिलहाल ये 32 mm जैसे कि पौने की धार जो होती है, पौने की धार, ये पौने की धार के बजाय 32 mm की धार ये लगाया जाता है, जैसे कि इस तरह से, ठीक है। ये डोर गला दिया जाएगा, डोर गलाने के बाद इसको उसके अंदर लगाया जाएगा। पहली बात लगाने का तरीका, डोर में कैसे लगाएं। डोर में लगाने के लिए आपको इस तरह से डोर के इंच लगाना होगा, उस तरफ से आपको मिनिमम 1 inch सेंटर से होल मार के, 1 inch सेंटर जब होल मारेंगे आप सिंपल 1 inch यहाँ से इस तरह से पूरा टोटल लेके, मतलब 1 inch इसका सेंटर होना चाहिए। ये सेंटर राउंड करता है तो 1 inch होता है, 1 inch आग के धार से लेंगे जब 1 inch तक, तो आपको ये इंजिस ऑटोमेटिक आगे से सामने से यहाँ 200 छूट जाएगा। कितना? सिर्फ 200 लमसम छूट जाएगा। और इस इंजिस को लगाते वक्त यहाँ ध्यान दीजिएगा इस कंटिन्यू इस मार्क पे, इससे कम से कम 2 mm या 3 mm या तो आधा सौ इससे दूर रहे, इस तरीके से दूर जब रहेगा तो इंजिस ऑटोमेटिक बंद होगा। प्लस कभी धार को टूटने का डर नहीं रहेगा और धार पे लड़ेगा नहीं, और लेबलेशन बाई लिखो हो कुछ और हो उस पर कभी भी दिक्कतें नहीं होंगी आप, ठीक है। ये तो हो गई बात आपको। और ऊपर से इंच कभी भी लगाते वक्त 4 inch का मिनिमम ऊपर से 4 inch सेंटर लेना चाहिए, 4 inch का 4 inch सेंटर में इसको करना चाहिए, 4 inch ही तो होता है, ठीक है। 4 inch होगा ऊपर से कभी भी लगाते वक्त, ऊपर से ऊपर की धार से 4 inch के ऊपर सेंटर लगाया जाता है, लगाया जाएगा ये इंजिस, ठीक है। और इंजिस की और ये 38 mm का है, ये फिलहाल 38 mm का टोटल है, ठीक है, इसका स्पेस। बाकी इंजिसों में मैं बात करता हूँ उसका 32 भी रहता है, किसी का 40 रहता है, मैं उसके बारे में अभी शेयर करूँगा आपको, ठीक है। ये 32 mm का रहता है, अरे सॉरी 38 mm का, ठीक है। इसके लिए 38 mm पाना लगेगा आपको डिब्बी इंजिस होल मारने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं तो हो गया दरवाजे में लगाने का। और दूसरा बात ये है इसमें लगाने के बाद इसको उसका चेक करिएगा, राइट एंगल में होना चाहिए। धार से मेजर ले लीजिए, यहाँ से धार से लेके यहाँ तक 2 inch होना चाहिए, 2 inch होगा तो ये ऑटोमेटिक सही बैठ जाता है 2 inch होने के बाद, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद ये डोर में लगा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। डोर में लगाने के बाद ये ऊपर नीचे जो दिख रहा है ना, ये प्लेट को ऊपर इस तरह से हल्का फुल्का नीचे ऊपर कर सकते, इसमें पूरी प्लेट में एडजस्टिंग रहता है, ठीक है। बाकी जिसमें नहीं रहता है इसमें है दिया अभी फिलहाल, और आगे पीछे करना है तो इससे आपको इस तरह से इंजिस के आगे जैसे यहाँ लगा है इस तरह से आपको आगे या पीछे करना है तो इस वाले बटन से करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको या तो ग्रुप को कम बेसिक ग्रुप को करना होगा तो इससे करना रहता है, इस सेटिंग है, इस सेटिंग दिया जाता है, इसमें आगे पीछे किया जा सकता है, आपको कभी भी करना होगा तो इससे आगे पीछे हो सकता है। ये बात करते हैं इंजिस को, ये 32 mm डोर के लिए है फिलहाल।
कोई भी डोर अगर आपको लगता है डोर मोटा है या तो जिसकी कपाट की धार मोटी है उस पर लगाया जाएगा ये फिलर, ठीक है। और कपाट पर लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि कोने की नहीं है, 19 mm पर नहीं है डोर के लिए, धार के लिए, ये 32 mm धार के लिए है, फिलहाल 1.25 inch के लिए है, ठीक है, बात कंफर्म है। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ब्लैक बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है, और लाइक बटन दबा के, डिसलाइक बटन दबा के और कमेंट कर सकते हैं, जो उस पर विषय में आपको जानकारी चाहिए उसमें कमेंट करके मुझे आप जानकारियाँ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर, चलिए।